हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है असेंट वर्ल्ड यानी प्राचीन विश्व, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो नाइन्थ में हो चाहे टेंथ क्लास में हो। इवन कि जो NIS बोर्ड में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, UP बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे पंजाब बोर्ड के बच्चे हों, कोई भी बोर्ड हो, अगर उनके सिलेबस में असेंट वर्ल्ड है सामाजिक विज्ञान में, तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इसमें जो है आज हम विचार करेंगे मिश्र की सभ्यताएँ हो, भारत की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और भी सभ्यताओं के विषय में हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। और देखा जाए तो ये टॉपिक जो कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। और इसमें हम विस्तारपूर्वक इन पर जो है प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और हर एक पहलू पर जो है विचार करेंगे। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। तो NIS सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIS बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है NIS सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट ईयर द गुप्ता एज, द गुप्ता एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड टाइम ईयर, द पीरियड ईयर 319 AD टू द 550 AD, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड टाइम ईयर। द राइज ऑफ गुप्ता पावर इन अ 4th century AD एंड मार्केट देयर इज बिगेन ऑफ द न्यू एरा इन इंडियन हिस्ट्री। कन्फ्यूजन इज अ पॉलिटिकल डेंसिटी, this unity there is where are replaced by the integrated. Under the leadership and patronage of the powerful Gupta marches is a considerable a process was made in a different aspect of Indian life. There was also a high material prosperity and mentioned by the Farhan and Chinese travel to 4th to 5th century AD. There is the Farhan is the Chinese travel, there is the most important common Gupta Asia. महाराजा श्री गुप्ता इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डेंसेंट्री। देयर इज अ महाराजा श्री गुप्त द फाउंडर ऑफ गुप्ता डेंसेंट्री, ही वॉज सीड बाय देर घटोकच इज गुप्त। घटोकच गुप्त इज अ बट इज अ चंद्रगुप्त वन इज अ हेयर अ 390 to 355 AD हु असेम द टाइटल ऑफ महाधिराजा। महाधिराजा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल टेकन हेयर। Was the first important Gupta march is there. Another important Gupta empire was the Samudragupta. Samudragupta is the most important in this period time. The analogies have composed by his court and poet Harisen. The quote here, the Harisen, which is available of the Allahabad pillar inscription, give a view account of Samudragupta as a military exploit. Besides, began to grade a conquerors and the ruler, there is also was a poet, high order Protorons of art and learning and a musician. He also performed a Asmaveda Yojana. There is a Asmaveda Yojana, symbol of empirical authorities. Samudragupta was succeeded by the Chandragupta II. There is a period time here 380 to 415 AD, and who assumed there is a title of Vikramaditya. The Vikramaditya, after the victory over to the Shaka ruler of Western India. In other considerable dated this power, Samudragupta made an important matrimonial alliances. His daughter, the Prabhavati, was the married to be a Vakataka ruler Rudrasena II.
वकातका रूलर रुद्रसेना टू एंड द सन एंड द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता टू एंड कुमार गुप्त वन देर इज द पीरियड टाइम हेयर 415 टू 455 AD एंड वॉज अ रिजाइन वॉज द मार्केट विद द पेस एंड प्रिवेट ही वॉज सक्सीड बाई हिज सन सकंद गुप्ता देर इज द पीरियड टाइम हेयर 455 टू 469 देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड टाइम एडी हेयर हुड प्लीज टू द हुन इन्वेंशन सर्वल टाइम द सक्सेसर ऑफ द सकंद गुप्ता इज अ पुरुगुप्ता बुद्ध गुप्ता एंड इज अ नरसिम्ह गुप्ता देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर देर आर नॉट अ सो पावरफुल एंड अ कॉम्पिटेंट इज अ ग्रेजुअली इजली टू बी डिक्लाइन एंड फॉल द गुप्ता एम्पायर Narchis was the prevailing system of government during two Gupta eras. The king was assisted by their counselor of minister and other official leader day-to-day administration. The Gupta had a powerful army and the provinces were ruled by governor. The governor had an under them a number of officers who is administrated is a district and the town. Village administration under the village headman is called to the ghar mika. I enjoy the considerable authorities and the Gupta also developed is efficient system of judiciary and revenue administration here. The next year is a post Gupta age. Their post Gupta age here of 550 AD to 750 AD. The period between to the downfall of the Gupta empire and the rise of Maharaj Harshvardhana. Harshvardhana or Taneswara is considered to be period of confidence and the degradations here. During this time, India was broken into the several small independent state on this period of time. Besides the Hunna power, there were four other kingdoms in northern India. And these were later Gupta of Magadha, the Hiramahukharis and Kanuj and the Pushpavati of the Thaneswar and the Mitrakash of the Vallabhi Gujarat. Among the important southern India then settlers were Chalukyas as the Badamani and their Pallavas as a Kochi. And Pallavanis is 609 to 64 AD. And the Narasimha Varman is 630 to 668 AD are considered to be a greatest of Chalukya and Pallavans ruler respectively here. It was the Harshvardhana who is again made an attempt to rise on empire. He was called to the here Sakaltoparthanatha because he had established there is a hold practically over to the wall of North India. And during this time his political unity of India was to be some extent is restored. Harsha is a patronized and the Banabhatta. The Banabhatta, their author of, is a Kadambari and the Harsh Charitra. Soon Stan, there is a Chinese scholar travel which India during to the Harshana as a resign. Sanka, there is a king of Bengal, was a complementary of Harsha. That is important. This period of history witnessed the consolidation of Hinduism and the Hussein Tans is right about their extent of caste system in India society and there was a rise of several mixed and sub-caste. Hussein Tans is also mentioned in their extent of untouchable and the outcast. The position of the women had also declined considerably during this period. In the religious field, there ascendance of the Brahmanism and both about their decline of the Buddhism and Vaishnavism and Shivism and Jainism were also practiced in this time here. देखिए यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गुप्त काल. देखिए गुप्त काल काफ़ी महत्वपूर्ण समय काल था और ये 319 ईस्वी पूर्व से लेके यानी AD से लेके 550 AD तक चला. ये काफ़ी महत्वपूर्ण काल था गुप्त काल और इसमें बहुत ही जो है बदलावों को हमने देखा तो इसी विषय में हम चर्चा करेंगे और यहाँ चर्चा जो होगी संक्षिप्त होगी. हमने अधिक लंबा चौड़ा नहीं करना है, बहुत ही शॉर्ट करनी है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी रहेगा. कहते हैं अगर
हम बात करें गुप्त काल की, तो कहते हैं 14वीं शताब्दी में गुप्त वंश का उदय, भारतीय इतिहास में एक नए युग की जो है शुरुआत को जो है रेखा अंकित किया जा सकता है। और श्रम और राजनीतिक जो है फूट की जगह एक एकता ने ले ली, यानी पहले के समय में श्रम और राजनीतिक फूट थी, अब जो गुप्त काल में जो है एकता ने उसकी जगह पर ले ली। शक्तिशाली गुप्त राजाओं के नेतृत्व में संरक्षण में भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास हुआ, यानी हर क्षेत्र जो है काफ़ी विकास किया। चीनी यात्री अगर फरियान की बात करें तो 4वीं-5वीं सदी ईसा पूर्व के अनुसार उस काल में खूब खुशहाली थी, चारों तरफ जो है खुशहाली भरी पड़ी थी, तो गुप्त काल में जो है काफ़ी लोग जो थे प्रसन्न थे। महाराजा श्री गुप्त के जो है गुप्त वंश का स्थापक बताया जाता है, क्योंकि महाराजा श्री गुप्त ने जो है गुप्त वंश का स्थापना किया था, और इसके बाद जो है घटोत्कच गुप्त आया। लेकिन यह चंद्रगुप्त जो कि 319 से लेकर 355 ईस्वी था, जिसने महाराजा अधिराज की जो है पदवी अपनाई और पहला जो है प्रसिद्ध जो है गुप्त राजा बना। समुद्रगुप्त अन्य प्रमुख जो है गुप्त सम्राट था, और इसका बेटा और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त जो कि 335 से लेकर 380 बड़ा ही पराक्रमी था, यानी पराक्रमी था, काफ़ी जो है वैभवशाली भी था। इलाहाबाद स्तंभ जो है समुद्रगुप्त की प्रशंसा में दर्ज उसके दरबारी कवि हरिसेन के जो है प्रसिद्ध गीत में उसके विजय अभियानों को जो है जीवांत चित्रण भी देखने को मिल जाता है। एक महान विजेता और शासक होने के साथ ही समुद्रगुप्त एक विद्वान और उच्च स्तर का कवि भी था, साथ में कला और विद्या का संरक्षक और संगीतज्ञ भी था। कहते हैं उसने जो है अश्वमेध यज्ञ भी करवाए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि 380 से लेकर 415 ईस्वी तक उत्तराधिकारी बना, उसने पश्चिम भारत के शक शासकों पर जो है राजाओं पर जीत हासिल करने के बाद उसको विक्रमादित्य की उपाधि भी अपनाई। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य का जो है उपाधि धारण किया, यानी विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कह सकते हैं। उसने महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया, उसकी बेटी प्रभावती का विवाह वटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ भी हुआ था, और उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा कुमार गुप्त प्रथम था, जो कि 415 से लेकर 455 ईस्वी तक बना रहा। उसके शासनकाल में शांति और खुशहाली काफ़ी थी। उसके उत्तराधिकारी उसका बेटा सकंद्रगुप्त जो कि 455 से लेकर 467 ईस्वी तक बना, उसने कई बार हुन आक्रमण भी विफल किए, यानी हुन ने जो इस पर आक्रमण किया था उसको जो है विफल किया। किसने किया? सकंद्रगुप्त ने किया। सकंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी जो थे बहुत तीन थे, इसमें पुरुगुप्त भी थे, बुद्धगुप्त भी थे और नारायण गुप्त भी थे। उसने जो है शक्तिशाली और योग्य नहीं थे, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट था कि सकंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बहुत ही कमज़ोर थे, और इसे धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का पतन भी हो गया। देखा जाए तो गुप्त काल के दौरान राजतंत्र प्रशासन की जो प्रणाली थी, राजाओं के जो है दैनंदिन प्रशासन में मदद के लिए एक मंत्रिपरिषद के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हुआ करते थे। गुप्तों के पास शक्तिशाली सेना थी और प्रांतों का प्रशासन गवर्नर करते थे। उनके महातहत अनेक अधिकारी होते थे जो जिला और नगरों का प्रशासन संभाला करते थे। ग्राम प्रमुख के ग्रामीण नेतृत्व में जो है ग्राम शासन के उल्लेखनीय स्वायत्तता हासिल भी की थी। गुप्त साम्राज्य ने न्यायिक और राजस्व प्रशासन की एक प्रभावी प्रणाली विकसित कर ली थी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उस समय के दौरान। उसके पश्चात आता है हमारे समाज गुप्तांतर काल, यानी गुप्त के जो है आगे का काल किस प्रकार थी, तो ये जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। गुप्त साम्राज्य के पतन और थानेश्वर के महाराजा हर्षवर्धन के उदय के बीच के काल को भ्रम और विखंडन का दौर माना जाता है, क्योंकि इस समय भ्रम और विखंडन काफ़ी देखने को मिला। इस समय भारत अनेक छोटे स्वतंत्र राज्यों में विखंडित हो गया था, और हुन राजा के अतिरिक्त उत्तर भारत में चार अन्य राज्य थे। ये थे मगध के उत्तर, गुप्त कन्नौज के मोखड़ी और थानेश्वर के जो है पुष्पभीति, और बल्लभी गुजरात के मैत्रिक थे। महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय वंशों ने बदामी के चालुक्य और कांची के पल्लव थे। पुलकेशन द्वितीय ने जो कि 609 से लेकर 642 ईस्वी तक उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। हर्षवर्धन ने फिर से जो है साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, और वह जो है
सकल चोर पथनाथ कहलाता था, क्योंकि उसने व्यवहारत समूचे भारत पर अपना राज्य स्थापित कर रखा था और इस काल में भारत की राजनीतिक एकता कुछ हद तक बहाल हुई। हर्ष ने जो है कदम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट को संरक्षण दिया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हर्ष ने जो है कदम्बरी और हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट को संरक्षण भी प्राप्त किया और चीनी विद्वान यात्री हवेर सांग ने उसके शासनकाल में भारत की यात्रा भी की थी और बंगाल का राजा शशांक हर्ष का ही समकालीन था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतिहास के इस काल में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में दृढ़ता पाई गई, यानी हिंदूवाद काफ़ी जो है फैल गया था। हवेल संघ के भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की मजबूती के बारे में भी लिखा है और उस समय अनेक मिश्रित और उपजातियों का उदय भी हुआ। हवेल संघ ने जो है अछूतों और जातियों को निष्कर्षित लोगों को भी चर्चा करता है और इस काल में समाज में महिलाओं की हैसियत और रुतबे में भी खासी गिरावट देखने को मिला और धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद के उभार से जो है बौद्ध धर्म का पतन हो गया। इसमें वैष्णव शैव और जैन मत भी प्रचलन में थे इस समय में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक जो है हमारा भारतीय साम्राज्य सभ्यता और एक नज़र के रूप में देखिए भारतीय सभ्यता के बारे में देखें। यहाँ पर द नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंडियन सिविलाइजेशन इज द वन व्यू ओनली इंडियन सिविलाइजेशन देर इज इम्पोर्टेंट। इंडियन सिविलाइजेशन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री एज अ अर्लियर ग्रीस एंड द रोम्स इन द इंडिया इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन द सेम टाइम वी ऑल्सो मेड अ टेंडर्स इज अ प्रोग्रेस इन द फिलोसफी एंड द वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। इंडियन कंट्रीब्यूशन टू बी दियर फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी केमिस्ट्री मेटरोलॉजी एंड मेडिसिन इन द वर्ल्ड मेंशनिंग हियर आर्यभट्ट एंड द ब्रह्म मिहिहारा इज अ फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर आर्यभट्ट एंड ब्रह्म मिहिहारा इज द फेमस मैथमेटिक एंड एस्ट्रोनॉमर्स हियर। चरक्य एंड द सुसूत्र इज वेयर इज अ ग्रेट फिजिशियन नागा अर्जुना वॉज द फेमस केमिस्ट एज वेल एज द फार्मासिस्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो एंड डेसिमल सिस्टम ऑफ फर्स्ट इन्वॉल्व इन इंडिया द सन इंडिया इज ऑल्सो शो द ग्रेट स्किल इन आर्ट आर्किटेक्चर्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। अशोका इज अ पिलर कैप्स एंड अजंता एंड एलोरा इज अ साउथ इंडियन टेम्पल्स द फेमस स्तूपा एंड सांची बुद्धा इज इमेज ऑफ मथुरा वॉज ओनली अ फ्यू एग्जाम्पल फ्रॉम द वेस्ट इज ओशियन ऑफ इंडियन आर्ट। मैनी ग्रेट आर सेंट्रेस ऑफ लर्निंग वेयर डिवेलपिंग इन अ सेंट इंडिया लाइक अ तक्षशिला इज नालंदा इन द विक्रमशिला एंड द वल्लभी काशी एंड कोची इज विच इज इम्पोर्टेंट टू द एजुकेशन टू बी बोथ इंडिया एंड फॉरेन स्टूडेंट। Famous scholar and the teachers taught there such as a center. Indian learning to the scholarship was highly appreciated, awarded by their Arab is a Muslim. Here show the most important here Sanchi Stupa. Sanchi Stupa, there is a most important on this period time here. Many great works of literature were produced on ascent India. Rig Veda is the earliest is a specimen of Indo-European literature. The four Veda, Sutra and the two epics of Ramayana, Mahabharata, Smriti, Purans, Tripitakas and Jain's Agams and the other religious texts were a product of ancient India. Moreover, there are a number of drama, poets and poetics work in this period of time. A great literacy is a figure like a Kalidasa is a Banabhatta and Harshena and Visakha Datta and Vasha Bhairavi Sukadarka and many other belong to be in this period of time. Sanskrit, Pali and Prakritic literature made a great process in ascent India. That is the most important period of time for the ascent India in the one view here. यदि बात यहाँ हम करें भारतीय सभ्यता का, देखिए भारतीय सभ्यता को हमने एक नज़र में जानने की कोशिश कर रहा है
और ये बहुत ही संक्षिप्त नोट है। कहते हैं विश्व इतिहास में भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण जगह है। आरंभिक यूनान और रोम की तरह भारत में भी लोकतांत्रिक और गणराज्य शासन प्रणाली रही। हमने दर्शन और विज्ञान की जो है विभिन्न शाखाओं में जबरदस्त प्रगति की और गणित खगोल शास्त्र और रसायन शास्त्र धातु क्रम और चिकित्सा में भारत का उल्लेखनीय योगदान रहा है और इस योगदान को जो है भुलाया नहीं जा सकता, इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। बेशक लिए कहते हैं पूरी दुनिया कहता है कि हमने इन चीज़ों को खोज की, लेकिन गणित खगोलीय शास्त्र और रसायन शास्त्र धातु क्रम और चिकित्सा के बारे में भारत का अग्रणीय स्थान है। आर्यभट्ट और जो अब्राहम मिहिर प्रसिद्ध गणितीय और खगोलीय शास्त्री थे। आर्यभट्ट के बारे में तो आपको भली भांति नॉलेज ही है, ठीक है, जिन्होंने जो है हमें गणितज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। चरक्य और सुश्रुत जो है महान चिकित्सक थे जो कि भारत के ही थे। नागा अर्जुन प्रसिद्ध जो है रसायन शास्त्री हुआ करते थे और शून्य और दशमलव पद्धति की संकल्पना पहले भारत में ही विकसित हुई, कहीं और नहीं हुई। कहते हैं कंप्यूटर जो विकास हुआ है और जो इसकी बैटरी नंबर्स होते हैं 01, तो 0 तो भारत का ही देन है और गणित भी भारत का देन है, तो समझ सकते हो कि इसमें जो है भारत का कितना महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। प्राचीन भारतीयों में कला और वस्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला में जबरदस्त दिखाई देती है, यानी जबरदस्त हासिल किया है अचीवमेंट। अशोक के लाट, अजंता अलोरा की गुफाएं और दक्षिण भारतीय मंदिर वस्तुकला और सांची के स्तूप, मथुरा के बुद्ध के भारतीय कला के अर्थात समुद्र के महल कुछ उदाहरण स्वरूप यहाँ पर है। प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला, क्रमशिला, वल्लभी, काशी और कांची जैसे ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे, जहाँ भारतीय और विदेशी छात्रों के जो है शिक्षा दी जाती थी। प्रसिद्ध विद्वान और शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे। भारतीय ज्ञान और विद्वान की 12 काफ़ी सराहनी की गई और ख़ासकर अरब मुसलमानों के द्वारा। यहाँ पर जो आपके समक्ष प्रस्तुत है वो सांची का स्तूप है। ये सांची का स्तूप देखने में कितना सुंदर है ये आप भली भांति देख सकती हो, और यही इस समय का ये देन भी है। सांची स्तूप एक ऐसी कला थी जो काफ़ी विस्तृत और काफ़ी जो है स्वच्छ कोटि की उदाहरण है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। प्राचीन भारत में साहित्य की अनेक महान कृतियाँ सृजित की गई थी। इसमें ऋग्वेद, हिंद यूरोपीय साहित्य की जो है प्राचीनतम वानगी काफ़ी प्रचितम बनी, और कहते हैं वेद, सूत्र, महाकाव्य, स्मृति, त्रिपटिका, जैन आगमन और अन्य धार्मिक ग्रंथ प्राचीन भारत में सृजित हुए। इसके अलावा अनेक नाटक, काव्य और ग्रंथ कृतियां भी इस समय देखने को मिलता है। कालिदास, बाण्यभट्ट और सेन जो विशाखदत्त, भान और जो है शूद्रक जैसे महान साहित्यिक हस्तियाँ इसी काल के दौरान थे, तो ये काल काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो संस्कृति, पाली, प्राकृतिक साहित्य ने भारतीय जो है भारत में जबरदस्त प्रगति की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं भारत को एक नज़र में जानना काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और ये हमने जाना भी। तो इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने इसमें हर एक प्राचीन विषय के बारे में विस्तार पूर्वक और सभी पहलुओं पर जो है संक्षिप्त हमने बात की, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, तो जितना हो सके आपने तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना है, और तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प सिर्फ एक ही माध्यम से किया जा सकता है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है बच्चे तक पहुंचाने में आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प कर सकती हो। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, YouTube से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है। आपको पता ही कि व्हाट्सएप स्टेटस ऐसा एक माध्यम होता है जहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट जितने भी होंगे वो ज़रूर देखेंगे, और उनमें से कोई ना कोई बच्चा कोई इस सिलेबस में होगा और वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अच्छे कार्य करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। गलत कार्य करोगे तो 1,00,000 बार सोच के ही करना, लेकिन अच्छे कार्य करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए। पहली बार वीडियो देख रहे थे तो एक और भी कार्य करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जो है आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकेगा। क्योंकि आपको पता है कि तिरपान स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके जो एमए तक के बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ उपलब्ध है, तो आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। अगर आपका कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो, कुछ बदलाव चाहते हो, तो आप इसमें कॉमेंट कर सकते हो। कॉमेंट की भी प्रावधान है और कॉमेंट करना एक अच्छे जो है आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा माध्यम बन जाता है।